जय हिंद दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं राजा देवी चंद के बारे में। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कुमाऊं के राजा देवी चंद का टाइम पीरियड है 1720 से लेकर 1726 ईस्वी तक, और इसका पिता रहता है राजा जगत चंद, जो कि हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पिता जगत चंद एवं दादा के बीच यहाँ पर 12 वर्ष युद्ध होता है, जिसका परिणाम आगे भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके दादा पिता काफी राजकोष जमा करते हैं अपने राजदरबार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए। तो अब देवी चंद क्या करता है दोस्तों, इसके टाइम पीरियड में दोस्तों ये अपने धन को बर्बाद करता है। क्यों करता है? यहाँ पर किसी और का साथ रहता है ये उटपटांग से कार्य करने में, किसका? राजा देवी चंद। अब देखिए दोस्तों, ये भी अपने पूर्वजों की तरह गढ़वाल पर कई बार आक्रमण करता है। जिस प्रकार इसके दादा पिता पर दादा जितने भी शासक आए हैं, सब ने कुमाऊं गढ़वाल पर आक्रमण किया है। अब देखते हैं दोस्तों देवी चंद कब आक्रमण करता है। दोस्तों देवी चंद की ख्वाहिश रहती है कि वो गढ़वाल के श्रीनगर गढ़ पर आक्रमण करे, वो और वहां का अधिकार क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। तो राजा देवी चंद सबसे पहले 1723 ईस्वी में आक्रमण करता है गढ़वाल के श्रीनगर पर, और प्रदीप शाह की सेना दूसरी तरफ से होती है। इसके समकालीन गढ़वाल में है प्रदीप शाह, परमार डायनेस्टी के राजा है प्रदीप शाह, और राजा देवी चंद के समकालीन है गढ़वाल के राजा। अब कुमाऊं से ये राजा देवी चंद सन 1723 ईस्वी में आक्रमण करता है गढ़वाल पर, और एक तरफ गढ़वाली सेना और दूसरी तरफ रहती है दोस्तों कुमाऊनी सेना। और इस युद्ध में दोस्तों राजा प्रदीप शाह की सेना हार जाती है, यानी गढ़वाली सेना यहाँ पर हार जाती है। गढ़वाली सेना को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है, और इस युद्ध को जाना जाता है दोस्तों रणचुला घाट का युद्ध, जो कि हम परमार डायनेस्टी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि रणचुला घाट का युद्ध कब हुआ था, 1723 ईस्वी में हुआ था, किस किस के बीच। यहाँ पर चंद डायनेस्टी के राजा देवी चंद एवं गढ़वाल में परमार डायनेस्टी के राजा प्रदीप शाह के बीच हुआ था, जिसमें प्रदीप शाह की सेना हार जाती है। अब देखिए दोस्तों, जब प्रदीप शाह की सेना हार गई तो ये अपनी सेना को ताकतवर बनाता है और मजबूत बनाता है, और फिर से आक्रमण होता है इन दोनों के बीच 1723 ईस्वी में। श्रीनगर के आसपास दूसरा युद्ध होता है गणाई का युद्ध, जिसमें दोस्तों गढ़वाली सेना की जीत हो जाती है, यानी राजा देवी चंद की सेना हार जाती है गणाई के युद्ध में 1723 ईस्वी में, और गढ़वाली सेना जीत जाती है। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, युद्ध तो इसने लड़ लिया, पहला जीत लिया दूसरा हार लिया। अब ये क्या करता है, इसकी ख्वाहिश थी कि इसको गढ़वाल के श्रीनगर पर आक्रमण करना ही करना है और वहां का राजा बनना, तो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि दूसरी बार युद्ध में गढ़वाल की सेना प्रदीप शाह की सेना ने इसको पूरी तरह से हरा दिया। तो अब क्या करेगा, ये फॉर्मेलिटी के लिए एक यहाँ पर एक पहाड़ी पर आक्रमण करेगा जहां पर कोई भी नहीं है, और उसको श्रीनगर नाम देगा। कुछ समय तक वहां पर रहेगा अपनी मन की तसल्ली के लिए, और कहेगा कि मैंने श्रीनगर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया और कुछ समय वहां पर शासन किया। मतलब फालतू का अपनी मन की तसल्ली के लिए ये राजा ऐसा करता है। इसी प्रकार दोस्तों इस कारण ये उटपटांग हरकतों के कारण इसको गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। दो बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है UP SSC ने कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं के राजा चंद वंशीय राजा देवी चंद को कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। यदि गढ़वाल का आए तो गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक हम पढ़ चुके हैं ना कि राजा श्याम शाह को कहा जाता है गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिये दोस्तों इसमें इसके राज दरबार में
दो प्रधान सलाहकार रहते हैं बाप बेटे, कौन कौन, गैंडा बिस्ट मानिकमल और इसका पुत्र रहता है पूरणमल। कौन कौन से दोस्तों, गैंडा बिस्ट मानिकमल और पूरणमल, ये एक दूसरे के बाप बेटे, यानी ये दोनों बाप बेटे हैं। गैंडा बिस्ट का पुत्र है पूरणमल। ये दोस्तों ये क्या करते हैं, जो कुमाऊं का राजा है देवीचंद, इसको फुसलाते हैं और इसके कान भरते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन है। लगभग उस समय दोस्तों राजा देवीचंद के आसपास, देवीचंद के पास 3.5 करोड़ रुपए थे राजकोष में, 3.5 करोड़ रुपए थे, क्योंकि उसके दादा परदादों ने इतना धन इकट्ठा कर रखा था कि उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये दो गैंडा बिस्ट मानिकमल और पूरणमल, इस राजा देवीचंद को फुसलाते हैं, कान भरते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हें काफी टाइम तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास इतना धन है कि उसे दान करो, टैक्स दो, ताकि तुम्हें भी यहाँ पर विक्रमादित्य की जैसे बनाया जाए, यानी तुम भी एक विक्रमादित्य के जैसे, सम्राट विक्रमादित्य के जैसे बनो। कैसे, दान करके, प्रजा के लिए कार्य करके, टैक्स पे करके। तो यहाँ पर इसके कान भर देते हैं, ये राजा काफी पैसा खर्च कर देता है, यहाँ पर प्रजा के लिए टैक्स देने लग जाता है। अब पता नहीं वो पैसा इन दोनों के जेब में जा रहा, मंत्रियों के जेब में जा रहा, कि रियल में टैक्स पे हो रहा वो पता नहीं है, लेकिन देवीचंद को मजबूर कर दिया है टैक्स पे करने में या प्रजा के लिए दान देने में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। अब देखिए दोस्तों देवीचंद का दिल्ली पर आक्रमण, यहाँ पर भी दोस्तों देवीचंद हो जाता है पागल, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों जो भी मुगल डायनेस्टी का शासक था बहुत पावरफुल रहा होगा, क्योंकि संपूर्ण भारत में उसका ही शासन था। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, दिल्ली के बादशाह सादे शाह है, जो कि सेनापति हैं दिल्ली के बादशाह, जो भी बादशाह रहे होंगे राजा दिल्ली में मुगल डायनेस्टी के थ्रू, तो उनका एक सेनापति है साबिर शाह, ये आ जाता है कुमाऊं में आ जाता है देवीचंद के दरबार में और देखता है देवीचंद के पास कि यार इसके पास तो बहुत धन है, तो वो भी राजा देवीचंद को फुसला देता है कि तुम्हारे पास इतना धन है, तुम दिल्ली पर क्यों ना आक्रमण करते, दिल्ली पर आक्रमण क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर इसको फुसला देते हैं यहाँ पर देवीचंद को कि दिल्ली पर आक्रमण करो, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम जीत जाओ। तो अब देवीचंद सोचता, हाँ यार मेरे पास धन है तो मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा। ये सच में धीरे धीरे पागल होने लग गया, दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है, कितनी बड़ी जगह है और कितना बड़ा शासन था, कितनी बड़ी मुगल डायनेस्टी का शासन था दिल्ली में। तो ये क्या करेगा, देवीचंद ने अफगान सेनापति दाऊद खां को अपना सेनापति बनाया। उस टाइम इसके पास बहुत पैसा था, इसने पैसों में सैनिक खरीदे और एक अफगान सेनापति दाऊद खां, यानी दाऊद खां को अपना सेनापति बनाया और दिल्ली पर आक्रमण किया। इसने अफगानी सेना को भी खरीदा, साथ में इसने यहाँ पर एक राजा रहते हैं जयपुर के राजा, उसे पूछा कि तुम क्या इस युद्ध में मेरा साथ दोगे, इस युद्ध को दोनों साथ साथ लड़ते हैं। तो जयपुर का राजा कहता है इस देवीचंद को कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये बोलता है 3.5 करोड़ रुपए। तो जयपुर का राजा बोलता है कि पागल हो, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कम से कम 7-8 करोड़ चाहिए होंगे, 7-8 करोड़। तो यहाँ पर जयपुर का राजा भी मना कर देता है इसके साथ युद्ध लड़ने के। अब ये अफगानी सेना को इकट्ठा कर रहा है, साथ में इसके साथ कुमाऊनी सेना है, तो आक्रमण करते हैं दिल्ली पर और दिल्ली की सेना को देखते हुए ही डर जाते हैं, यानी आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, 4-5 दिन लगेंगे इनको जाने में नीचे वाले क्षेत्र में, क्योंकि यार कुमाऊं से जाना दिल्ली कितना दूर है यहाँ से। तो राजा महाराजा के टाइम पीरियड में सालों, 2-3-4 साल लगातार इतने सालों तक युद्ध चलते थे। तो यहाँ पर दिल्ली की सेना को देखते हुए ये घबरा जाते हैं और वापस आ जाते हैं, यानी फालतू का पैसा बर्बाद कर लेते हैं राजा देवीचंद।
फालतू का पैसा बर्बाद कर देते अपने राजकोष का देवी चंद। इस प्रकार इसको पागल शासक कहा जाता है, क्योंकि पागल तो है ही यार, कहाँ आक्रमण कर रहा है, दिल्ली पे आक्रमण कर रहा है, पागल है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इतिहासकारों ने क्या कहा है कि इस प्रकार की पागलपंथी के कारण एटकिंसन और रुद्रदत्त ने इस शासक को पागल शासक व कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा। इस प्रकार की पागलपंथी के कारण यहाँ पर एटकिंसन और रुद्रदत्त ने इस देवी चंद को पागल शासक व कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि चंद डायनेस्टी का मुगल मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, राजा देवी चंद है। गढ़वाल का कौन है दोस्तों, राजा श्याम शाह को कहा जाता है गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए दोस्तों अब राजा आ गया है थोड़ी उम्र में, ज्यादा उम्र होगी राजा की। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसके दरबार में जो दो इसके प्रधान सलाहकार है कौन कौन थे, माणिकमल गैंडाबिस्ट एवं पूरणमल। माणिकमल गैंडाबिस्ट पूरणमल रणजीत पतोरिया ये एक षड्यंत्र रचते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी, राजा देवी चंद की हत्या कर देते हैं। उसके बाद कुमाऊं में राजा आ जाते हैं अजीत चंद, जिनका टाइम पीरियड है 1726 से लेकर 1729 ईस्वी तक। अब देखिए दोस्तों इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, यह है पुत्र नरपित सिंह कठेरिया का। किसका, नरपित सिंह कठेरिया का। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राजा देवी चंद को कोई पुत्र नहीं रहता है, इस कारण यहाँ पर अजीत चंद चंद डायनेस्टी या चंद राजवंश की कुर्सी पर बैठता है। इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, नरपित सिंह कठेरिया का पुत्र रहता है अजीत सिंह, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना कि अजीत सिंह, अजीत चंद या अजीत सिंह कह सकते हैं, पुत्र है नरपित सिंह कठेरिया का। अब देखिए दोस्तों इसके दरबार में भी ये माणिकमल गैंडाबिस्ट और पूरणमल दोनों हैं, दोनों बाप बेटे षड्यंत्र रच रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और यही दोनों इस राजा अजीत चंद को कुमाऊं का राजा बनाते हैं और अपने कठपुतलियों पे नचाते हैं। जो ये चाहेंगे वही होगा, जो ये इनकी ख्वाहिशें होगी वही पूरी होंगी। देखिए राजा अजीत चंद का टाइम पीरियड है 1726 से लेकर 1729 ईस्वी तक, और पुत्र नरपित सिंह कठेरिया कठपुतली है किसके, माणिकचंद एंड पूरणमल के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राजा अजीत चंद की जो वाइफ है उसके साथ इस पूरणमल का अवैध संबंध होता है और वहां पर एक संतान उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम बाद में बाला कल्याण चंद के नाम से जाना जाता है। यह जैसे इसको पता चलता है अजीत चंद को कि ये संतान तो मेरी है नहीं, ये अवैध संतान है, तो ये राजा अजीत चंद इनको मरवाने का प्लान बनाता है, लेकिन ये सफल नहीं होता क्योंकि ये दोनों तो काफी चालाक हैं इसके दरबार में, जिन्होंने पहले देवी चंद की हत्या कर दी। अब देखिए दोस्तों कठपुतली की तरह नचा रहे हैं इस अजीत चंद को ये दोनों बाप बेटे माणिकचंद एंड पूरणमल, और पूरणमल की अवैध संतान होगी है यहाँ पर बाला कल्याण चंद। ये से मात्र 18 माह की उम्र में राजगद्दी पर बैठाया जाता है। अजीत चंद की मृत्यु के बाद इनके पास कोई राजा ही नहीं रहता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो राजा बने, तो इस अवैध संतान जिसको बाला कल्याण चंद के नाम से जाना जाएगा 18 माह 18 महीने यानी 1 साल 8 महीने इसकी उम्र रहती है, 1 साल 6 महीने इसकी उम्र रहती है दोस्तों, और इसको राजगद्दी पर बिठाया जाता है, लेकिन छोटी उम्र होने के कारण इसको प्रजा स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ पर फिर से ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो दो बाप बेटे हैं माणिकमल एंड पूरणमल फिर से इस नरपित सिंह कठेरिया के दूसरे पुत्र को लाते हैं और उसको गढ़वाल की कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठाते हैं। अब इसका नाम है राजा कल्याण चंद पंचम। राजा कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कल्याण चंद पंचम है।
तो देखिए दोस्तों टाइम पीरियड है 1729 से लेकर 1747 ईस्वी तक, और यहाँ पर ये है दोस्तों किसका, क्योंकि इस बार दोस्तों राजा अजीत चंद के पिता नरसिंह सिंह कठुरिया ने बिल्कुल अपने दूसरे पुत्र के लिए मना कर दिया कि तुमने मेरे पुत्र पहले पुत्र को मरवाया है, इसलिए मैं दूसरा पुत्र नहीं दूंगा आपको राजा बनने के लिए। तो यहाँ पर किसको राजा बनाया जाता है, अब दोस्तों राजा कल्याण चंद पंचम है राजा लक्ष्मी चंद के पुत्र नारायण चंद का वंशज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं लक्ष्मी चंद के पुत्र नारायण चंद का वंशज, और ये एक अनपढ़ शासक था, इसको ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं था दोस्तों। और माणिक चंद व पूर्णमल को मरवाया किसने, इस राजा कल्याण चंद पंचम ने, इनकी कारतूसी दोनों की कारतूसी पता करी और माणिक चंद व पूर्णमल दोनों को मरवा दिया था, किसने, राजा कल्याण चंद पंचम ने, जिसका टाइम पीरियड है 1729 से लेकर 1747 ईस्वी तक, पुत्र है लक्ष्मी चंद के पुत्र नारायण चंद का वंशज, कौन, राजा कल्याण चंद पंचम।